तो दोस्तों इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने बड़े पंख हैं, पर इस चीज़ से फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आप लोग उड़ान भरने को तैयार हो या नहीं। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो जब तक बाहर नहीं आएगी जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करते। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है May 5th 2019 और डे है सुपर संडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूं। अन अकेडमी के ऑनलाइन प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स शो लेकर आता हूं। अगर आप लोग अन अकेडमी के प्लस मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड aman.sharma इस्तेमाल करके फ्लैट 10% प्लस 10% का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। बेनिफिट कैसे मिलेगा उसके लिए आप ऊपर आई का बटन दबाकर मेरी एक वीडियो पे जाकर डिटेल्स गैदर कर पाएंगे। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, कल का सवाल था ऑन द ओकेजन ऑफ 750th एनिवर्सरी ऑफ वेदांता दिसिका, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक यहाँ पर स्टैम्प रिलीज किया है। आपको बताना है कि वेदांत दसिका जी के जो फिलोसफर्स लाइफ है, उनके जो हाई वैल्यूड वर्क है, वो किन पर्टिकुलर फिलोसफी से डील करते हैं, या जो वेदांत दसिका हैं वो किस पर्टिकुलर फिलोसफी के प्रोमिनेंट थे। आपके लिए ऑप्शंस थे बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म। इसका आंसर है सी, वैष्णविज्म इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द एनवायरनमेंट। इनमें से किस किस इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शंस है ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बी स्वैम्प्स एंड मार्शेस, सी ओपन ओशियंस, या डी सवानास। अपने अपने आंसर्स आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं सुपर संडे की पहली खबर के साथ। आपको न्यूज मिलती है पेज नंबर 1 पे, बॉम्बर्स विजिटेड कश्मीर, केरला, बेंगलुरु, श्रीलंका आर्मी चीफ सैड। तो हमें पता है कि अभी श्रीलंका के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बहुत ही दुखद घटना हुई जहां पर 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोगों को इंडिया के साथ उसका कुछ पहले ही रिलेशन देखने को मिला था, बट यहां पर श्रीलंका के आर्मी चीफ ने सबके सामने आकर ये चीज़ बोली है कि जो लोग यहां पर टेरर अटैक के अंदर इन्वॉल्व थे उन्होंने यहां पर कुछ टाइप ऑफ ट्रेनिंग केरला और जम्मू एंड कश्मीर से ली थी, और कुछ यहाँ पर लिंक उनके फॉरेन आउटफिट से भी देखे जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन से आई है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गैदर करी हैं। यहाँ पर ये नहीं कह सकते किस तरीके की ट्रेनिंग मिली, बट कुछ ना कुछ लिंक से यहाँ पर इंडिया के साथ बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो टेरर आउटफिट है इस्लामिक स्टेट, उसने क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे के सारे अटैक की, पर यहाँ पे सरकार ब्लेम कर रही है एक लोकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को जिसका नाम है नेशनल थोवीत जमात। अब इससे रिलेट करते हुए आप अपने एग्जाम के लिए और अपने पर्टिकुलर इंडिया से हम लोग इस चीज़ को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, तो ये देखो, ये हमारा जो मुद्दा है ये इंटरनेशनल रिलेशन का भी है एज वेल एज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का भी ये पर्टिकुलर इशू आता है। इशू ये है कि हम लोगों को पता है कि हमारे देश में 4 ऐसे लोग हैं जिनके कनेक्शन हम लोगों को यहाँ पर श्रीलंका की बॉम्बिंग से नज़र आ रहे हैं। इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर केरला के अंदर जो साइबर की टीम है वो डार्क इंटरनेट को खोजबीन करने की कोशिश कर रही है। डार्क इंटरनेट वो इंटरनेट है जिसको आप लोग नॉर्मली अवेल नहीं कर सकते, कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उस पर्टिकुलर इंटरनेट के अंदर घुसा जा सकता है। तो ये चीज़ हो रही है कि कहीं जो टेरर आउटफिट्स हैं वो कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा या कुछ ऐसे यहाँ पे स्पीचेस देकर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना कर रहे हों। यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि वैसे तो हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा ही टेररिज्म के खिलाफ रहा है। हम खुद यहाँ पर टेररिज्म के खिलाफ इतने ज़्यादा चीज़ें हम लोग पेश करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि इंडिया के अंदर उन टेरर आउटफिट्स की ट्रेनिंग हुई है। देखो, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को जो हम लोगों को सोचना पड़ेगा वो ये है कि जिस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, असलियत में वो पोर्शन हमारा लीगल पोर्शन है, ओके, वो इंडिया का पोर्शन है। तो अगर उस पोर्शन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसका इन्फ्लुएंस पूरी वर्ल्ड वाइड हो रहा है, कहीं ना कहीं वो इंडिया के ऊपर भी हैम्पर करेगा।
आज तो इस्लामिक स्टेट का एक अटैक हमें श्रीलंका के अंदर देखने को मिला है, और जिसके अंदर श्रीलंका की इंटेलिजेंस का भी कहीं ना कहीं फेलियर बताया जा रहा है कि इंडिया ने उनको पहले ही 24 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दिया था। बट ऑन अ रियल सेंस इंडिया के लिए ये एक बहुत ही सोच विचार करने वाली बात है कि उन चीज़ों को हम लोगों को कैसे रोकना है, हमारे देश में जो युद्ध है उसको हम लोगों को गलत मार्ग पर जाने से किस तरीके से रोकना है और हम कैसे उन्हें रोक सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप इस तरीके से भी सोच के अपने लिए कुछ एग्जाम रिलेवेंट स्टफ ले सकते थे, और ये हमारे देश का मुद्दा है, तो एज अ यूथ मुझे और आपको भी इन चीजों के बारे में सोचना है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आपको मिलती है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे खबर है कर्नाटका लिमिट्स वेट ऑफ स्कूल बैग्स। तो आप भी बचपन में यहां पर स्कूल बैग लेकर जाते थे, सारी की सारी किताबें आपको लेकर जानी पड़ती थी, इसके साथ साथ वाटर बॉटल लेकर जानी पड़ती थी, लंच बॉक्स लेकर जाने पड़ते थे, और भी कुछ आप एक्स्ट्रा सामान तो लेके ही जाते होंगे। तो स्कूल बैग का वजन खुद के वजन के जितना हो जाता था। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओस काम कर रही हैं कि एक लेजिस्लेशन बनाया जा सके कि बच्चे यहाँ पर कितने वजन का स्कूल बैग कैरी कर पाएंगे। यहाँ पे कर्नाटका सरकार ने डायरेक्शन दी है सारे के सारे स्कूल्स को कि वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि बच्चों के वजन से 10% वजन से ज़्यादा यहाँ पर स्कूल बैग का वजन नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। तो एज पर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर जो बैग होगा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड के बच्चों का वो 2 kg से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे क्लास 3 to क्लास 5 के बच्चे हैं उनका 2 to 3 kg के बीच में ही होना चाहिए। जो क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर बच्चे हैं उनका 4 to 5 kg के बीच में बैग का जो वेट है वो अलाउड है। और यहाँ पर एक अच्छी खबर है क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि यहाँ पर उनको कोई भी हॉलीडे होमवर्क या कोई भी नॉर्मल होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा अगर वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो। साथ ही जो ऑर्डर है वो ये भी कहता है कि स्कूल्स को यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा कुछ स्पेस उनकी क्लासरूम के अंदर जहाँ पर बच्चे अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक को वहीं स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से यहाँ पर लॉकर बॉक्सेस के बारे में बात हो रही है। एक और मेजर ये है कि जो डेली लोड है उसे कम करने के लिए स्कूल्स अच्छी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि बच्चों को अपने घर से यहाँ पर वाटर बॉटल ना लानी पड़े। साथ ही बच्चों को यहाँ पर स्कूल बोला जाएगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको कोई भी ऐसी किताब ना कैरी करने दी जाए जो कि 100 pages से ज़्यादा की हो। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल के डी शशि कुमार, वो इस चीज़ के थोड़ा सा पोजीशन में हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अनसाइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया गया है जिसके बेसिस पे यहाँ पर वेट को डिसाइड किया गया है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने चाहिए और जो बैग्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया। मेन ऑब्जेक्शन यही है कि यहाँ पर कुछ साइंटिफिक मेथड होना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पर जो वेट का परसेंटेज है उसे डिसाइड करना चाहिए था। ये जो ऑर्डर है ये उस चीज़ के बाद आया जब यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अक्टूबर के अंदर यहाँ पर सारी की सारी स्टेट्स को डायरेक्ट किया था कि आप जल्द से जल्द कुछ गाइडलाइन ड्रॉ करो जिससे बच्चों के जो बैग्स हैं उनका वजन कम हो सके। अब यहाँ पे कर्नाटका ने एक अच्छी शुरुआत करी है और धीरे धीरे पूरे देश में भी ये अच्छी शुरुआत हम लोगों को लागू होती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं एक और अच्छी खबर पेज नंबर 8 पे। कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ चंद्रयान 2 के बारे में चीज़ें डिस्कशन ली थी। चंद्रयान 2 हम लोग यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं बट बार बार उसके अंदर डिले हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले हम लोगों ने यहाँ पर बोला था कि हम लोग जनवरी 2019 के अंदर लॉन्च कर देंगे, फिर यहाँ पर डेट शिफ्ट होके हो गई अप्रैल, और अब यहाँ पे फाइनल जो न्यूज़ थी वो आ गई थी कि जुलाई के अंदर हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे। यहाँ पे इसरो के चेयरमैन के सिवन का भी यही कहना है कि उसको जल्द ही इसी महीने जो लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark 3 उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा जुलाई 9 और जुलाई 16 के बीच में, और ये लूनर सरफेस के ऊपर लैंड कर जाएगा सितंबर 6 को। यहाँ पे आप देख सकते हो चंद्रयान 2 का कुछ कॉन्फिग्रेशन जो कि इसरो ने अपनी वेबसाइट पर निकाला है। यहाँ पे हम लोग एक रोवर को भेजेंगे। रोवर बेसिकली क्या होता है, एक मूविंग रोबोट होता है जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर पाएंगे, और ये ज़्यादा नहीं 300 से 400 मीटर तक ही दूर जा सकेगा लैंडर से। जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। ओके, तो नेम को आप लोगों को याद रखने हैं कि क्या क्या नाम रखे गए हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक ऑर्बिटर क्राफ्ट भेजेंगे जो कि यहाँ पे चांद के अराउंड चक्कर लगाएगा। इसके हम साथ हम लोगों ने एक लैंडर भी भेजा है, जो लैंडर है उसका नाम हम लोगों ने विक्रम रखा है।
जो GSLV मार्क 3 है उसके अंदर ऑर्बिटर क्राफ्ट और लैंडर क्राफ्ट को रखा जाएगा, और जो रोवर होगा वो इस लैंडर के अंदर ही होगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ये रोवर बाहर निकल रहा है, ओके। और यहाँ पे खास बात ये है कि इसको हम लोग मून के साउथ पोल पे भेजने वाले हैं। ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा मिशन होगा जहाँ पर मून के साउथ पोल पे हम लोग किसी चीज़ को लैंड कराने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि नासा भी प्लान कर रहा है कि 2024 तक यहाँ पर जो मून का जो साउथ पोल है वहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजे, और चाइना ने भी इस चीज़ को बोल दिया गया है कि आगे आने वाले 10 सालों के अंदर चाइना एक स्पेस रिसर्च स्टेशन बना देगा मून के साउथ पोल के ऊपर। अब साउथ पोल इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें ये आशंका है कि साउथ पोल के अंदर हम लोगों को बर्फ देखने को मिल सकती है, आइस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम लोग GSLV मार्क 3 का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा सबसे ज़्यादा एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल है। एक चीज़ और आप लोगों के लिए याद रखना कि जो GSLVs होते हैं वो यहाँ पर 3-स्टेज लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जिसके अंदर पहली स्टेज यहाँ पर सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन की होती है, दूसरी स्टेज यहाँ पर लिक्विड प्रोपेलेंट की होती है, और तीसरी स्टेज में हम लोग यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसके अंदर हम लोग एज अ फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। तो कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा स्टेप थे। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। आपको खबर मिलती है ट्रूप्स पुल आउट मे हैव लेफ्ट अ होल इन रेड जोन सिक्योरिटी ग्रिड। अभी रिसेंटली हम लोगों को एक अटैक देखने को मिला महाराष्ट्र के गढ़चिरौला एरिया के अंदर, जहां पर हमारे 15 जवान शहीद हो गए। बड़ा सवाल ये आता है कि यहां पर चूक किसकी रही। यहां पर रिसर्च के अंदर ये चीज बताई गई है कि चूक यहां पर असलियत में ये भी रही है, ये चांस है कि यहाँ पर इलेक्शन की वजह से बहुत सारे जो ट्रूप्स थी उनको पुल आउट कर दिया गया, इलेक्शन ड्यूटीज़ के अंदर लगा दिया गया, और उस एरिया के अंदर जो यहाँ पे स्टेट रिजर्व्ड पुलिस फोर्स थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। उस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर मॉइस्ट लोगों ने उठाया। उन्हीं सारी की सारी चीज़ों को इस आर्टिकल में हम लोगों के लिए एक्सप्लेन किया गया है। बिसाइड 5,500 मैन ऑफ द गढ़चिरौली पुलिस, यहाँ पे एंटी नक्सल ऑपरेशंस भी यहाँ पर असिस्ट करते हैं फ्रॉम 30 कंपनीज ऑफ द CRPF एंड 16 ऑफ द SRPF एज अ पार्ट ऑफ टाइट सिक्योरिटी। पर यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनीज थी उनको वेस्ट बंगाल भेजा गया स्टेट असिस्टेंस के लिए यहाँ पर, और इलेक्शन की ड्यूटी के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हुई। देखो यहाँ पर एक और चीज़ जो आप लोगों के लिए सोचने वाली है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में, वो ये है कि सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है वो डिफाइन होनी चाहिए कि इलेक्शन के अंदर ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है या जो हमारे सेंसिटिव एरिए हैं वहाँ पर डिप्लॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो माओइस्ट हैं उन्होंने जनता दरबार भी लगाया था। मतलब आप ये समझो कि जब वो लोग जनता दरबार लगा रहे हैं तो उस समय मतलब जो लोकल लोग हैं वहाँ के वो इन्वॉल्व हैं उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ के अंदर। तो क्यों यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी फेल हो गई है कि उन लोगों को हम लोग मेन स्ट्रीम लाइन से ज्वाइन कर सकें। यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न ये है कि हमारे देश के ही लोग माओइस्ट लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग उन लोगों को किस तरीके से रोक सकते हैं उन्हें सपोर्ट करने से। और यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कब तक यहाँ पर लड़ते रहेंगे और कब तक इस तरीके से उनके ऊपर अटैक होते रहेंगे। यहाँ पे एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस का भी कहीं ना कहीं फेलियर रहा है कि हम लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि यहाँ पे इस तरीके की घटना हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जब वो लोग जनता दरबार कर रहे थे उसके अंदर क्या बातें हुई, क्या उसके अंदर कोई भड़काऊ बातें हो रही थी, क्या उसके अंदर कोई ऐसी आशंका जताई जा रही थी, तो इसके ऊपर यहाँ पर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज को भी ध्यान में रखना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। आपको खबर मिलती है फार्मर्स वरिड, पेप्सिको गवर्नमेंट टॉक्स विद डाइल्यूट देयर राइट्स। तो पेप्सिको और सरकार के बीच में यहाँ पर बातचीत चल रही है। ये वाला केस मैं आपके साथ बार बार डिस्कशन में ले चुका हूँ। यहाँ पे बात हो रही है कि पेप्सिको ने फार्मर्स से डिमांड किए थे 1.05 करोड़ रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर वो फार्मर्स उस वेराइटी के पोटैटोज ग्रो कर रहे थे जिसके ऊपर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेटेंट यहाँ पर पेप्सिको ने ले रखा है। उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पेप्सिको ने केस डाला था, और पेप्सिको ने फाइनली उस केस को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। क्योंकि यहाँ पर पेप्सिको के और सरकार के बीच में यहाँ पर कुछ बातचीत हुई कि फार्मर्स के ऊपर इतना ज़्यादा यहाँ पर फाइन ना लगाया जाए और जो फार्मर्स हैं उनके साथ पेप्सिको एक कोलैबोरेटिव रूप से सामने आ जाए। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो इस चीज़ से परेशान हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं इन सारी की सारी चीज़ों से।
यहाँ पर एश्योरेंस ये दी जा रही है कि एक लॉन्ग टर्म एमिकेबल सेटलमेंट आएगा रिगार्डिंग इट्स सीड प्रोटेक्शन कंसर्न, पर फार्मर्स इस चीज़ से खुश नहीं हैं। यहाँ पे पेप्सी को चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ा जाए, पर यहाँ पे भारतीय किसान संघ के जो प्रेजिडेंट हैं विट्ठल भाई दुधात्र, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जब लॉ जो है हमारा जो असलियत में बात करता है, द लॉ इज़ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, जो ये कहता है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास अधिकार है, वे किसी भी चीज़ को सो करते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो वाली सीड्स भी क्यों ना हो जो कि इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड हैं, बट उनको यहाँ पर ब्रांड नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर फार्मर्स के राइट को क्यों डाइल्यूट किया जा रहा है, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 की तरफ, आपको खबर मिलती है स्टेट ओन्ड न्यू स्पेस क्रिएट्स अ फ्लटर अमंग द स्पेस स्टार्टअप्स। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसके अंदर एक कमर्शियल आर्म वर्क करता है जिसको हम लोग अंतरिक्ष कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष कोऑपरेशन के बारे में आप सब लोगों को पता है कि इसको सेटअप किया गया था 1992 के अंदर। बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं इसरो की, उसको मार्केटिंग करने का जो यहाँ पर काम होता है वो अंतरिक्ष कोऑपरेशन का होता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एक और ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर रजिस्टर कराया है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। इसको बेंगलुरु के अंदर यहाँ पर रजिस्टर कराया गया है एक नई कमर्शियल एंटिटी के रूप में। अब यहाँ पे जो बात यह है कि जो नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं उनके सामने अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक नई ऑर्गेनाइजेशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी सामने खड़ी हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर समय पर जहाँ पर स्मॉल और नए एडवेंचर्स की हम लोग बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जो कि अभी धीरे धीरे आना चालू हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कॉम्पिटिशन लड़ेंगी NSIL से। तो आपको याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही यहाँ पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड काम करेगी। यहाँ पे NSIL के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट NSIL जो है उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ रुपए की रहने वाली है, जो पेड अप कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपए की रहने वाली है। ओके, और यहाँ पर जो न्यू स्पेस है वो बहुत ही जल्दी नए वेंचर्स को ग्राउंड पर उतारने में यहाँ पर मदद करेगी। कुछ सर्विंग और जो फॉर्मर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एसोसिएट्स हैं उनका ये कहना है कि जो NSIL है मे वन डे कैनिबलाइज अंतरिक्ष, कि यहाँ पे जो अंतरिक्ष है उसको ही खा जाएगी NSIL, मतलब NSIL एक ग्रेटर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम लोगों के लिए सामने आएगी। इस शब्द से एक चीज़ आप लोगों के लिए याद आई, हम लोग यहाँ पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर भी ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको कैनिबलिज्म कहते हैं। आपके लिए एक छोटा सा सवाल यह है कि कैनिबलिज्म होता क्या है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके ज़रूर बता देना। पेज नंबर 12 पे आगे बढ़ते हैं, आपको खबर मिलती है 200 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम गाज़ा। यहाँ पे गाज़ा के अंदर जो गाज़ा के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने 200 रॉकेट्स यहाँ पर इसराइल के ऊपर दाग दिए। इसराइल ने भी यहाँ पर रिटेलिएशन में अटैक कर दिया और यहाँ पर सीज फायर वायलेशन होता हुआ नजर आया। इसराइल की आर्मी का ये कहना है कि जो टैंक्स हैं, जो प्लेन्स हैं, उन्होंने अराउंड 120 मिलिटेंट टारगेट्स को हिट किया है। बट यहाँ पर एक छोटा बेबी, एक प्रेग्नेंट मदर और कुछ यहाँ पर प्लेस्टेरियन लोग भी जो सिविलियंस थे वो भी मारे गए हैं। इस चीज़ को यहाँ पर सामने रखा गया। इसराइल ने इस चीज़ को बोला है कि इट वाज क्लोजिंग इट्स पीपल एंड गुड्स क्रॉसिंग विद गाज़ा एज वेल एज जोन, जो कि यहाँ पर अलाउ किया जाता है फिशरमैन को, जहाँ पर वो लोग फिश कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हमें गर्मा गर्मी का माहौल गाज़ा और इसराइल के बीच में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेट करते हुए आप लोगों को मैपिंग पढ़नी पड़ेगी। देखो यहाँ पे आपको जो जगह दिख रही है, ये वाला जो प्लेस है, दिस इज़ नोन एज इसराइल, इसको इसराइल कहते हैं। जूम करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे गाज़ा के नाम से जाना जाता है। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टफ, यहाँ पर ये इसराइल है, इसराइल टच करता है यहाँ पे इजिप्ट को, जॉर्डन को, यहाँ पे लेबनान को, सीरिया को, और यहाँ पे जो एरिया है इसको हम लोग गोलन हाइट्स के नाम से जानते हैं। गोलन हाइट्स के ऊपर अभी कुछ ही दिनों पहले बहुत सारे आर्टिकल छपे थे जहाँ पे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि जो गोलन हाइट्स है वो असलियत में इसराइल का हिस्सा है। और उसी के बाद यहाँ पर सीरिया ने और जो अरब लीग के अंदर जितने भी सारी बड़े बड़े देश हैं उन्होंने ये बोल दिया कि लीगली वो सीरिया का हिस्सा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से भी यहाँ पर सीरिया का हिस्सा ही है गोलन हाइट्स, पर गोलन हाइट्स को यहाँ पर छोड़ने को तैयार नहीं है इसराइल, क्योंकि इसराइल को पता है कि गोलन हाइट्स स्ट्रेटेजिकली और ज्योग्राफिकली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये एग्जांपल दूँ तो देखो गोलन हाइट्स ना थोड़ा इस तरीके से है, तो सीरिया का ये वाला पोर्शन है, तो सीरिया के जो सोल्जर्स हैं वो जब यहाँ से अटैक करते थे तो और यहाँ से यहाँ पे अगर इसराइल के सोल्जर्स खड़े हैं तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाती है यहाँ पर सीरिया के सोल्जर से लड़ने के लिए। बट एक बार जब इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया गया इसराइल द्वारा तो इसराइल ने इस एरिया को छोड़ा नहीं। उसी समय के दौरान यहाँ पर इसराइल ने जॉर्डन और इजिप्ट के भी कुछ एरिया को ऑक्यूपाई किया था बट उन एरिया को छोड़
दिया गया था। यहाँ पर ये वाली आप सी देख रहे हो, इसे हम लोग डेड सी के नाम से जानते हैं। वेस्ट बैंक की बात करता हूँ तो वेस्ट बैंक और जो ईस्ट जेरूसलम है, इसराइल अभी भी उसके ऊपर कंट्रोल रखता है, बट इट्स सपोर्ट ऑफ सेटलमेंट ऑन ऑक्यूपाइड लैंड हैज़ कॉम्प्लिकेटेड पीस एंड नेगोशिएशन। तो इसराइल और जॉर्डन ने यहाँ पर एक पीस पैक्ट साइन किया था 1994 के अंदर। अगर मैं यहाँ पर गाजा स्ट्रिप के बारे में बात करूँ, वो 1967 के अंदर इजिप्ट से कैप्चर किया गया था। 2005 के अंदर इसराइल ने अपनी जो मिलिट्री थी, अपनी जो ट्रूप्स थी, अपने सेटलर्स थे, उनको बाहर निकाल लिया था गाजा से, और अभी करेंटली ये पैलेस्टीन के कंट्रोल में रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के लिए इस न्यूज़ से रिलेट करते हुए। पेज नंबर 12 पे आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया फायर्स शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल। तो नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर टेस्ट किया है एक शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल को। अभी भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो किम जोंग उन है वुड नॉट ब्रेक हिज प्रॉमिस, क्योंकि अभी जो न्यूज़ है वो सिर्फ एक इनिशियल स्टेज पर हम लोगों के लिए सामने आई है कि यहाँ पर एक पूरे के पूरे एक साल से भी ज़्यादा के समय के बाद नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल को टेस्ट किया है। आखिरी जो मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट की थी वो 2017 के अंदर की थी, बट इस चीज़ को अभी कंफर्म होना है, क्योंकि एक तरीके से अभी यूएस ये कह रहा है कि वो अपना प्रॉमिस शायद नहीं ब्रेक करेंगे। तो नॉर्थ कोरिया फायर्ड अ नंबर ऑफ शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम होंडो पेनिनसुला नियर द ईस्ट कोस्ट टाउन ऑफ वॉनसॉन स्टार्टिंग एट 9:06 AM। ओके, और यहाँ पे देखा गया कि प्रोजेक्टाइल जो थी वो ट्रेवल किया 70-200 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट सी। पेज नंबर 12 पे आगे बढ़ते हैं। तो गैप्स नरोइंग इन टॉक्स से तालिबान। तो यहाँ पर तालिबान और यूएस के बीच में बातचीत चल रही है इन रिलेशन विद दी अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान किस तरीके से आगे वर्क करेगा। तालिबान का ये कहना है कि जो गैप है यूएस और यहाँ पर तालिबान के बीच में वो थोड़ा छोटा होता हुआ नज़र आ रहा है, और जल्द ही यहाँ पर जो टाइम टेबल है वो हमें बनता हुआ नज़र आएगा कि यूएस की जो ट्रूप्स हैं वो कब अफगानिस्तान छोड़ देंगी। यूएस का ये कहना है कि करीबन 1.5 साल लग जाएगा, 1.5 ईयर्स लग जाएंगे हमें छोड़ने में, बट यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं उनको छोड़ने के लिए यहाँ पर जो तालिबानी हैं वो एक नया ऑफ़र रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको छोड़ना है तो जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर 6 मंथ्स के अंदर आप लोग छोड़ दो। इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जब यूएस और तालिबान के बीच में पीस टॉक हुई, तालिबान ने इस चीज़ का भी वादा किया था कि जो अफगानिस्तान की ज़मीन है उसका इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होने देंगे। तालिबान के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि यहाँ पे सीज़ फायर से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स हैं जो तालिबान के कमांडर्स हैं फील्ड के अंदर, दे आर अनलाइकली टू एक्सेप्ट अ सीज़ फायर वाइल फॉरन ट्रूप्स आर स्टिल इन अफगानिस्तान। कल आपको इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ मैंने डिस्कशन मिली थी जहाँ पर तालिबान ने इस चीज़ को बोल दिया था कि यूएस हम लोगों को यह सलाह ना दे कि हम यहाँ पर बंदूकों को नीचे रख, बल्कि यूएस यहां पर अपने देश में इस चीज को अप्लाई करे कि वो और किसी देश के अंदर यहां पर आर्म्स का इस्तेमाल ना करें। पेज नंबर 12 पे आपको एक और खबर मिलती है, कोरोनेशन ऑफ थाईलैंड रामा 10 बिगन। तो थाईलैंड के अंदर यहां पर नए यहां पे कोरोनेशन हुआ है, यहां पे नया आप कह सकते हो नए राजा यहां पे आए हैं, और नाम है किंग वजीरोंगकॉर्न, जो कि 10th मोनार्क है चक्री डायनेस्टी के, विच हैज रीन्ड ओवर द किंगडम सिंस 1782। 1782 से थाईलैंड के अंदर है चक्री डायनेस्टी का राज, और अब नए राजा हैं किंग वजरी लोंगकॉर्न। ओके, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे कुछ न्यूज़ थी। पेज नंबर 13 पे आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। पहले आपको थोड़ा सा रिविजन दे देता हूँ एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ADB के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक असलियत में एक रीजनल बैंक है जो कि फोकस करता है कि यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके जो एशिया वाला रीजन है, एज वेल एज जो पैसिफिक वाला रीजन है उस रीजन के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो लोकेटेड है मनीला फिलीपींस के अंदर। इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर टोटल 68 कंट्रीज़ हैं जो आती हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों में पैसे लोन देता है, खासकर जो मैक्सिमम जो बेनिफिट होता है वो एशियन कंट्रीज़ के अंदर आता है, उन कंट्रीज़ के अंदर जो कि यहाँ पर एमर्जिंग मार्केट्स हैं और जो यहाँ पर डेवलपिंग देश हैं। हमारे लिए यहाँ पर जो खबर आई है वो है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ आइडल सेविंग कैन बी डाइवर्टेड टू एशिया। ये कहना है यहाँ पर ADB के अल्टरनेट गवर्नर सुभाष चंद्र गर्ग जी का। देखो सिंपल में सुभाष चंद्र गर्ग जी ने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन दिया है। यहाँ बोला है जो आइडल सेविंग है वो वाली सेविंग्स हैं जिससे कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ के पास हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट करने में किया जा सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उसमें किया जा सकता है। जैसे एडवांस्ड इकोनॉमीज़
उसके अंदर इन्वेस्ट जो कुछ आइडल है, जैसे यहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा है वो आइडल पड़ा रहता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाकी देशों में यहाँ पे पॉवर्टी कम हो सके और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस से डेट कम हो सके। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या ह्यूमन कैपिटल इंप्रूवमेंट है, वो जब तक अच्छा नहीं होगा जब तक यहाँ पर उसको डी रिस्क नहीं किया जाएगा। ओके, इन दिस रिस्पेक्ट वी डोंट थिंक द रिकमेंडेशन ऑफ एमिनेंट पर्संस ग्रुप रिपोर्ट जो कि G20 की आई थी वो यहाँ पर डायरेक्ट फंडिंग से डू अवे कर सकती है। तो यहाँ पे ADB को इस चीज़ को अर्ज किया गया है कि अपनी सोशल सेक्टर एंगेजमेंट को यहाँ पर बढ़ाए, खासकर इंडिया जैसे देशों के अंदर। पिछले 52 ईयर्स में हम लोग देखेंगे तो ADB ने यहाँ पर हेल्प करी है डेवलपिंग मार्केट कंट्रीज़ को, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप कर सकें और एक्सट्रीम पॉवर्टी को यहाँ पर रिड्यूस कर सकें। अब एक बहुत ही बड़ा एक हाई टाइम आ चुका है जहाँ पर हेल्प किया जाएगा, जिससे ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेंथन किया जाए और यहां पे सोशल सेफ्टी नेट्स को बढ़ाया जाए। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 14 की तरफ, FAQ वाला पेज है। यहां पे सवाल आता है पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहां पर किस किस के बीच में चल रहा है, बात चल रही है यहां पर सुप्रीम कोर्ट और RBI के बीच में। RBI को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप यहां पर जो चीज़ें हैं उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो आपकी डिस्क्लोजर पॉलिसी है वो गलत पॉलिसी है, क्योंकि आप चीज़ों को इस चीज़ में नहीं छुपा सकते कि वो यहाँ पर हमारे देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पर हैम्पर कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं करेंगी, फिर भी आप लोगों ने उन चीज़ों को डिस्क्लोजर पॉलिसी के अंदर रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट, और साथ में यहाँ पर वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो कि यहाँ पर RBI करता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। तो RBI और सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भिड़ चुके हैं आपस में, क्योंकि यहाँ पर RBI ने बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अप्लाई करने से रिफ्यूज़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का अब साफ साफ ये कहना है कि यहाँ पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का भी मुद्दा सामने आ सकता है। तो व्हाट डिड द RBI डू, RBI ने असलियत में किया क्या, जल्दी से आपको फास्ट स्पीड में बताने की कोशिश करता हूं। जनवरी 2016 की बात है, RBI ने रिफ्यूज कर दिया कि यहां पर जो RTA एक्ट के अंदर जो चीजें डिमांड की गई हैं, जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट डिमांड की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक की, वो यहां पर नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो यहां पर हमारे देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये सब चीज़ें हमारे देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं करेंगी, तो आप इन चीज़ों को सामने रखो। बट फिर भी सामने नहीं देखा गया, तो अब RBI को एक आखिरी मौका दिया गया, आखिरी अपॉर्चुनिटी दी गई कि आपको इन चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा। इसी हिसाब से एक और यहाँ पे एक और केस मैंने आपके साथ डिस्कशन में लिया था, जो कि RBI के एक सर्कुलर से डील करता है, जो सर्कुलर फरवरी 2018 में सामने आया था, जिसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि वो बैंक्स जिनके यहाँ पर 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसी ने लोन ले रखा है, तो 180 डेज के अंदर उनको रिजॉल्व आउट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस आया और ये डिस्क्रिमिनेशन का कोर्स था, राइट टू इक्वालिटी के अंदर इसके ऊपर ये फैसला लिया गया कि यहाँ पर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि जिन्हें 2,000 करोड़ रुपये से कम का लोन लिया है तो उनको छूट दे दी जाए, जिन्हें 2,000 करोड़ रुपये से ऊपर का लिया गया है तो उनके 180 दिन में यहाँ पर रिजॉल्व आउट किए जाएँ बैड लोन्स को। और यहाँ पर बोला गया था कि अगर 180 डेज के अंदर नहीं होगा तो उनको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर जो बैंकरप्सी कोड्स हैं, जो हमारी NCLT है या DRT है, उनके पास भेज दिया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर रोक लगा दी। तो ये मैटर ये है जो हम लोगों के लिए सामने आया है। तो डिस्क्लोज किए जाएंगे अब नेम्स ऑफ द विलफुल डिफॉल्टर्स। बट एक बड़ा सवाल ये आता है कि RBI ये कहता है कि अगर विलफुल डिफॉल्टर्स के नेम पब्लिक में लेकर आए जाएंगे तो यहाँ पे देश का क्रेडिट डिसिप्लिन यहाँ पे गड़बड़ा सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो अगर बैंक्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी सामने आती है और कोई बैंक यहाँ पर डूबता हुआ नजर आता है, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भी कम हो सकता है और लोग उस बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाना भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से उस बैंक के ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है, शेमिंग हो सकती है उन लोगों की जो कि यहाँ पर डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आए। और मान लो किसी ने अगर सच में विलफुली डिफॉल्ट ना किया हो तो उसके लिए खतरा जाएगा। सोशल मीडिया आज की डेट में इतना एडवांस हो चुका है कि किसी की भी इमेज यहां पर गिरा सकता है। तो RBI इन चीजों से हमें थोड़ा सा परेशान होता हुआ नजर आया है। अब आगे के समय पे क्या होगा, व्हाट लाइज अहेड, तो बहुत ही मुश्किल है ये प्रिडिक्ट करने को कि क्या होगा। बट सुप्रीम कोर्ट यहां पर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चालू कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर RBI अगर चूज़ करती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट RBI को भी पीनलाइज कर सकती है अपने अधिकारों के अंदर। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 14, एक और आपके लिए इम्पॉर्टेंट FAQ, बात हो रही है स्टीयरिंग अवे फ्रॉम द डीजल्स।
यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मारुति ने इस चीज़ को अनाउंस किया गया कि अप्रैल 2020 से कोई भी यहाँ पर डीजल कार मारुति सामने नहीं रखेगी। यहाँ पर मारुति उस दिन से बाद सामने नहीं रखेगी जब से यहाँ पर भारत स्टेज 6 नॉर्म्स लागू हो जाते हैं। अब मारुति ने यहाँ पर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्यों मारुति ये कह रही है कि वो डीजल इंजन्स यहाँ पर बनाएगी नहीं? कारण यहाँ पर एक है कि यहाँ पे जो इंजन्स को कन्वर्ट करने का जो पैसे लगेंगे, जो रेट लगेंगे, जो डीजल इंजन के यहाँ पर रेट लगेंगे, वो कहीं ना कहीं 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में कार्स के रेट हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे। मान लो कि कोई 5 लाख रुपए की गाड़ी है और यहाँ पर डीजल पे वर्क करती है, अप्रैल 2020 के बाद अगर भारत स्टेज 6 नॉर्म्स के अंदर उन डीजल कार्स को मूव करना है तो उसी कार का रेट हम लोगों को 7 लाख रुपीस के आसपास होता हुआ नज़र आएगा। तो वो जो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ रही है उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मारुति ने इस चीज़ को बोला है कि जो डीजल की गाड़ियाँ हैं वो नहीं बनाई जाएंगी। यहाँ पर द हिंदू के अंदर आपको ये वाला मैप देखने को मिलता है, पेइंग थ्रू द नोज। देखो, जब हम लोग BS4 से BS6 की तरफ मूव करेंगे, मेन कारण क्या है? मेन कारण है हमारा एनवायरनमेंट, कि यहाँ पर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कम हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट है सल्फर। BS4 के अंदर जो सल्फर है वो 50 PPM यहाँ पर कंटेंट होता है डीजल के अंदर, और BS6 की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर 10 PPM होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट फॉल इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डीजल कार। डीजल कार की सेल भी हम लोगों को कम होती हुई नज़र आई है, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पेट्रोल कार का ही इस्तेमाल करते हैं। 2018-19 के अंदर आप देखते हो तो सिर्फ 23% जो कार्स की सेल हुई वो डीजल कार्स की थी। इसी के रिस्पेक्ट में जो पॉल्यूशन लेवल है मेजर इंडियन सिटीज़ के अंदर वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो डीजल कार्स होती हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन भी फैलाती हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की बात है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो व्हाई डिड मारुति टेक दिस डिसीजन? क्योंकि डीजल इंजन क्या है? कॉस्ट लेयर है, और डीजल इंजन आज की डेट में अट्रैक्टिव भी नहीं है। एनवायरमेंटली डीजल इज अ हैवी पॉल्यूटर, और अगर यहाँ पर उसको लूज किया जाएगा तो उससे एनवायरमेंट का भी बेनिफिट हो सकता है। रिगिंग ऑफ द एमिशन डेटा, जो कि यहाँ पे फॉक्सवैगन ने यहाँ पे सामने रखा था, ये चीज शो करने के लिए कि लोअर लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं, दे कुड एक्सेलरेटेड द मूव अवे फ्रॉम द डीजल। यहाँ तक जर्मनी की भी बात करें, जो विच इज़ अ लीडिंग मेकर ऑफ डीजल कार्स, वो ये चाहते हैं कि डीजल कार्स को बैन कर दिया जाए। अब डीजल की पॉल्यूशन प्रोफाइल क्या है? देखो, जो हमारा ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025 है, जो कि यहाँ पर प्लानिंग कमीशन ने निकाली थी, अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब हमारे सामने है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो जब प्लानिंग कमीशन थी उस समय प्लानिंग कमीशन ने ऑटो फ्यूल विजन पॉलिसी 2025 हम लोगों के लिए सामने रखी थी, जिसने यहाँ पर एक रोड मैप बनाया था फॉर द ट्रांजिशन टू लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। तो यहाँ पर लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स की तरफ हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखो, जो सल्फर है वो पेट्रोल में भी मिलता है, बट यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हो तो डीजल के अंदर उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। पेट्रोल के अंदर 2000 PPM होती है और डीजल के अंदर यहाँ पे 10,000 PPM होती है, तो इतना कंपैरिजन होता है। और यहाँ पर हम लोग BS6 के अंदर कितना करने वाले हैं? 10 PPM करना है। सल्फर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिंस हायर कंसेंट्रेशन हैव एन इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजीज फॉर द कंट्रोल ऑफ अदर पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, PM मैटर है, ऑक्साइड है नाइट्रोजन के या हाइड्रोकार्बन के। तो वट इज डी और यहाँ पे क्या है? अब इम्पॉर्टेंस है क्लीनर डीजल की, जिसको यहाँ पर कर्नाटका ने स्टडी किया गया, उसके यहाँ पे कुछ डेटा हम लोगों के लिए सामने आए हैं। ओके, और ये जो कुछ डेटा हैं ये आप लोगों को पढ़ने हैं, ये आपका आज का छोटा सा होमवर्क है मेरी तरफ से। कुछ डेटा है, इसका इस्तेमाल आप लोग अपने एग्जामिनेशन में कर सकते हो। जो PDF है वो आपको अवेलेबल हो जाती है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप लोग ऐड हो जाना। ओके, नाउ हाउ कैन एलिमिनेटिंग डीजल इंप्रूव हेल्थ? अगर डीजल को एलिमिनेट कर देंगे तो हेल्थ के ऊपर क्या यहाँ पे बेनिफिट होगा? देखो, एयर पोल्यूशन लीडिंग कंट्रीब्यूटर है मेनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, जो कि बहुत सारी प्री मैच्योर डेथ्स को कॉज करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि डीजल एग्जॉस्ट एज एन ऑक्यूपेशनल कैंसर कॉजिंग एजेंट, मतलब इसे कार्सिनोजेनिक बताया गया है।
इंडिया के अंदर जो ग्लोबल बर्डन है डिजीज़ का, जिसकी स्टडी की गई 2017 के अंदर, उसने एट्रीब्यूट किया 8% ऑफ द डिजीज बर्डन, 11% ऑफ द प्री मैच्योर डेथ्स इन पीपल बिलो 70 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे जो लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ है उसने भी यहाँ पर एक रिसर्च पब्लिश की थी दिसंबर 2018 के अंदर, जहाँ पे बोला गया कि ज़्यादातर जो इंडियन स्टेट्स हैं, पर्टिकुलर जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, और 77% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है, देवर एक्सपेक्टेड टू एन एनुअल पॉपुलेशन वेटेड मेजर, मतलब PPM या PM2.5 से वो सफ़र करते थे। इवन अगर हम लोग रिड्यूस भी कर देते हैं सल्फर कंटेंट को BS6 के अंदर, हेल्थ इफेक्ट थोड़े से यहाँ पर कम होंगे, वुड बी लॉस्ट ड्यू टू ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है। आपने BS6 में तो कम कर दिया, बट व्हीकल्स तो आप उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, पेज नंबर 15, साइंस एंड टेक का पोर्शन जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। व्हाई इज़ अ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्राइंग अप रैपिडली। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसको हम लोग यहाँ पर वेटेस्ट प्लेस भी जानते हैं, तो मौसम रम जो जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला है कि वो ड्राई अप हो रहा है, वहाँ पर बरसात कम हो रही है, बारिश कम हो रही है। क्यों, कारण क्या है? पिछले 30 साल में अगर आप लोग देखोगे कि जहाँ पर 3000 mm की रेन होती थी, वहाँ पे 25-30% का ड्रॉप आ गया है। ड्रॉप आने का कारण जब यहाँ पे खोजा गया कि वो असलियत में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कम हो रहा है या नेचुरल चेंजेस की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे बड़ा रीज़न बताया गया कि जो नेचुरल चेंजेस यहाँ पे सब ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के अंदर होते हैं, उस वजह से ये चेंज आ रहा है। सब ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के अंदर जो पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन होते हैं वो हमें बदलते हुए नज़र आए हैं, जिस वजह से जो ओशन का पैटर्न है पैसिफिक बेसिन के अंदर वो बदल रहा है। इसकी वजह से जो रेनफॉल है वो कम हो रही है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन के अंदर, जिसमें सबसे बड़ा इफेक्ट यहाँ पर एलिना और लानीना का है। ओनली अबाउट 7% ऑफ द रेनफॉल इन दिस रीजन इज एसोसिएटेड विद लोकल मॉइस्चर रिसाइक्लिंग, विच मीन्स दैट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कैन अफेक्ट ओनली अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज से यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इंपैक्ट कर सकती हैं, पर बड़ा जो रीजन है वो यहाँ पर बताया गया है, जो पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन होती हैं उनके कारणों की वजह से यहाँ पर जो टोरेंशियल रेन्स हैं वो कम हो गई हैं, और हम लोगों को ज़्यादा यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड देखने को मिलती हैं, इस वजह से क्रॉप्स और बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे हैम्पर होती हैं। तो पॉलिसी मेकर्स को इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन क्या है, उस हिसाब से यहाँ पर डैम्स को, पावर प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर आगे लेकर जाना चाहिए। पेज नंबर 15 आपको खबर मिलती है IIT दिल्ली 3D प्रिंट्स ह्यूमन स्किन। कुछ ही दिनों पहले, मतलब पिछले ही संडे मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर 3D हार्ट के बारे में, कि हम लोगों ने बना लिया एक 3D हार्ट, स्पेशल इसलिए था, पहले भी हम लोग बना चुके हैं, कि यहाँ पर जो टिश्यूज थे और जो सेल्स थे उनका ही इस्तेमाल किया गया था। अब एक और नई उपलब्धि के अंदर हम लोगों ने बना लिया है 3D प्रिंट ऑफ ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन जैसी आप लोगों की स्किन है वैसा ही यहाँ पर 3D प्रिंट निकाल लिया गया है। ये एक बायो प्रिंट स्किन है जिसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो सकेगा कॉस्मेटिक्स की टेस्टिंग के अंदर। तो आप लोग जो यहाँ पर क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हो पहले उनकी भी टेस्टिंग होती है, तो अब यहाँ पर ह्यूमन्स की जगह उन आर्टिफिशियल स्किन्स के ऊपर उनका यहाँ पर टेस्ट किया जा सकेगा। साथ ही जो डर्मेटोलॉजी ड्रग्स होती हैं, डर्मेटोलॉजी यहाँ पर बेसिकली जो शब्द है वही स्किन से डील करता है, स्किन के लिए जो यहाँ पर दवाइयाँ होती हैं वो कैसा इम्पैक्ट डालेंगी स्किन के ऊपर, उन सारी की सारी चीज़ों को भी इस पर्टिकुलर 3D प्रिंट इस ह्यूमन स्किन के थ्रू यहाँ पर टेस्ट किया जा सकेगा। ये जो स्किन है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट लेयर हैं, जो इनर डर्मिस है वो यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट से बनाई गई है, जो आउटर एपिडर्मिस है वो यहाँ पर कैराटिन साइट्स और मिलान साइट से यहाँ पर बनाई गई है। जो जंक्शन इन दोनों यहाँ पर लेयर्स के बीच में का वो फ्लैट नहीं है, ये अंडुलेटरी है और वेवी यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो टिश्यू को यहाँ पे इंजीनियर किया गया है, यहाँ पे सिल्क बायो इंक का इस्तेमाल किया गया है, इसको मिक्स किया गया है फाइब्रोब्लास्ट के साथ। इट वॉज यूज फॉर ग्रोइंग द डर्मिस वाइल बायो इंक मिक्सड विद कैरोटिन साइट्स एंड मिलान साइट्स वॉज यूज फॉर ग्रोइंग द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब जो लोअर लेयर होती है यहाँ पर स्किन की। पेज नंबर 15 आपको एक और खबर मिलती है, रोबोट फ्रॉम IIT मद्रास चेक्स पाइपलाइन फॉर लीकेजेस। ये एक ज़रूरी खबर है, यहाँ पर आप जो चीज़ देख रहे हो ये बेसिकली एक रोबोट है जिसका नाम है एंडोबॉट।
तो जो एंडोबॉट है वो बनाया है आईआईटी मद्रास में। ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को जनवरी के अंदर भी पढ़ाई थी कि किस तरीके की यहाँ पर चीज़ डेवलप करने की बात हो रही है, जिससे पाइपलाइंस के अंदर जो लीकेजेस हों उनको आसान से चेक किया जा सके, क्योंकि उनको चेक करना बहुत ज़्यादा मुसीबत का काम होता है। तो वाटर स्कार्सिटी हो जाती है यहाँ पर अर्बन एरिया के अंदर, और उस समय पर हम ये नहीं देख पाते कि लीकेजेस कहाँ से हो रही हैं। इसके लिए यहाँ पर एक एंडोबॉट रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर पाइप लगा हुआ है, बहुत छोटा है, टायर्स हैं, कुछ इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं। तो यहाँ ये जाएगा, देखेगा कि कहां पे लीकेजेस हो रही है, उन चीजों को फिक्स भी कर देगा। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी कि ऐसा लगा आप लोगों को, लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। न्यूज़पेपर को यहीं एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड।